सोलन की कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा में शिमला लोकसभा क्षेत्र से पुनः विजय हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नाहन के विधायक एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी शिव सेवानंद जी महाराज ने की। इस अभिनंदन समारोह में सोलन की 58 धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने सांसद वीरेंद्र कश्यप का नागरिक अभिनंदन किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नाहन के विधायक एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन, सिरमौर और इसके अलावा शिमला जिला के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मत भाजपा के हित में डालकर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है। सोलन जिला शिमला पार्लियामेंट्री के प्रत्येक मतदाता के हम धन्यवादी हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखते हुए और कमल का बटन दबा करके श्री वीरेंद्र कश्यप जी को जिताया। हम आपके माध्यम से भी उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उद्यत रही और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और इतना ही नहीं, श्री वीरभद्र जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अपने चुनाव सभा क्षेत्र से भी हारे। इस प्रकार शिमला की जीत एक ऐतिहासिक जीत, ये इस बात को साबित करता है कि वर्तमान सरकार अपना जो लस्ट है उसको खो चुके है, जनता में विश्वास को खो चुके है, उसको दोबारा से जनमत प्राप्त करके और जनता के करने के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि 17 विधानसभा क्षेत्रों ने जो विश्वास दिखाया है, वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो अधूरे कार्य रह गए थे, उन्हें इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की सरकार लोगों के हितों के लिए कार्य करेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।